हिंदी साहित्य पर बहुत सारी अवधारणाओं का व्यापक प्रभाव पड़ा है। उन्हीं में से एक अवधारणा है आधुनिकतावाद। आज हम आधुनिकतावाद का अध्ययन निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे, जिसमें पहला है प्रस्तावना, पहला प्रस्तावना, दूसरा आधुनिकतावाद की अवधारणा, तीसरा आधुनिकतावाद के मूल तत्व, चौथा साहित्यिक आधुनिकतावाद, पांचवा आधुनिकतावाद का मूल्यांकन और छठवां है उपसंहार। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए आज हम देखते हैं आधुनिकतावाद क्या है। परीक्षा में जब भी आप उत्तर लिखते हैं तो यह प्रस्तावना शब्द और यह उपसंहार शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको सीधा आपको उत्तर लिखना शुरू करना है। और मेरा आज का जो यह वीडियो है, यह यूपीएससी, पीएससी और पीसीएस और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। इसे आप किसी भी परीक्षा में मॉडल आंसर के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए आज हम विस्तार से इसे समझने का प्रयास करेंगे। आधुनिक यह प्रस्तावना या प्रस्तावना शब्द आपको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। हाँ, पैराग्राफ जरूर बनाना है आपको। आधुनिक मतलब होता है मॉडर्न, आधुनिकता से तात्पर्य है मॉडर्निटी, आधुनिकीकरण से तात्पर्य है मॉडर्नाइजेशन और आधुनिकतावाद के लिए मॉडर्निज्म शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो ये इसे आप पहले ही समझ लें कि आधुनिक शब्द मॉडर्न का हिंदी पर्याय है, आधुनिकता मॉडर्निटी का हिंदी पर्याय है, आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन का हिंदी पर्याय है और आधुनिकतावाद मॉडर्निज्म शब्द का हिंदी पर्याय है। यूरोप में 16वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी तक के मध्य तक आधुनिक शब्द का प्रयोग वर्तमान के पर्याय के रूप में किया जाता था। मतलब जो यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें 16वीं सदी के मध्य से लेकर 19वीं सदी के मध्य तक आधुनिक शब्द का प्रयोग वर्तमान के रूप में किया जाता था, वर्तमान शब्द के पर्याय के रूप में किया जाता था। पुनर्जागरण के बाद आधुनिक शब्द ने कई विशेषणों को जन्म दिया। जैसे आप जानते हैं पुनर्जागरण क्या है, तो पुनर्जागरण के बाद जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय का जो काल है उसे पुनर्जागरण कहा जाता है। पुनर्जागरण के बाद आधुनिक शब्द ने कई विशेषणों को जन्म दिया, जैसे आधुनिकतावाद और आधुनिकीकरण। इमारतें आधुनिक शैली की बनाई जा रही हैं, इस तरह के शब्द प्रयोग होते थे, इस तरह के वाक्य प्रयोग में लाए जाने लगे पुनर्जागरण के बाद। अथवा वेशभूषा आधुनिक हो चली है, जैसे सामान्य तौर पर प्रयुक्त तो होने लगे, इस तरह के वाक्यांश हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग में आने लगे। 19वीं शताब्दी के समाप्त होने तक आधुनिकता सुधार और कार्यक्षमता प्रगतिशीलता आदि का पर्याय बनकर प्रयुक्त तो होने लगा। 19वीं सदी जब समाप्त हुई और 20वीं शताब्दी शुरू हुआ, तब आधुनिकता से तात्पर्य सुधार, रिफॉर्मेशन, कार्यक्षमता, प्रगतिशीलता आदि के पर्याय के रूप में, उसके मीनिंग के रूप में प्रयुक्त होने लगा। इसीलिए आधुनिकीकरण में सामाजिक वर्गों की सीमाओं के मिटने तथा ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों और महानगरों की ओर प्रस्थान, सामाजिक गतिशीलता, शिक्षा का प्रसार, ज्ञान विज्ञान का विस्तार, सामंती मूल्यों का ह्रास आदि शामिल है। तो जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो आधुनिकीकरण में क्या क्या शामिल है? सामाजिक वर्गों की सीमाएं मिटने लगी, समाज में जो अलग अलग प्रकार के जो कैटेगराइजेशन है, जो वर्ग भेद है, वह मिटने लगा। ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर प्रस्थान बढ़ने लगा। सामाजिक गतिशीलता मतलब लोग प्रस्थान करने लगे एक जगह से दूसरी जगह। शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा, ज्ञान विज्ञान का विस्तार हुआ और सामंती जो मूल्य थे, हमारे पुराने जो मूल्य थे, वह समाप्त होने लगे। आधुनिकीकरण की इस प्रक्रिया को नगरीकरण तथा नए अभिजात वर्ग, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है, के उदय के रूप में देखा जा सकता है। ऊपर हमने देखा आधुनिकीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को नगरीकरण से जोड़कर देखा जाने लगा। अर्थात धीरे धीरे गांव समाप्त होने वाले, नगर जैसे बनने लगे और गांव के लोग नगर की ओर प्रस्थान करने लगे और एक नए वर्ग, जो नए नए अमीर वर्ग का उदय हुआ, नए अभिजात वर्ग का उदय हुआ, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। इसका संबंध आधुनिकता से है। आधुनिकता का संबंध आधुनिकीकरण के फलस्वरूप पुरातन तथा परंपरागत विचारों एवं मूल्यों, धार्मिक विश्वासों और रूढ़िगत रीति रिवाजों के विरुद्ध नवीन और वैज्ञानिक आविष्कारों,
विचारों में, नए मूल्यों आदि से है। आधुनिकता का संबंध किससे है? जो हमारे परंपरागत मूल्य थे, जो हमारे पुराने प्राचीन जीवन मूल्य थे, वे समाप्त होने लगे। हमारे जो प्राचीन धार्मिक विश्वास थे, रूढ़िगत जो रीति रिवाज थे, वह समाप्त होने लगे। और उसके विरुद्ध उसका स्थान किसने ले लिया? नए नए आविष्कारों ने, नवीन आविष्कारों ने, नए विचारों ने, नए जीवन मूल्यों ने उनका स्थान ले लिया। इसे आधुनिकीकरण कहा गया। मतलब परंपरा से पलायन करके आधुनिकता की ओर हम बढ़े। आधुनिकीकरण शब्द उन समस्त परिवर्तनों तथा प्रक्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औद्योगिकरण तथा यंत्रीकरण के कारण प्रकट हुई है। तो आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है? आधुनिकीकरण से क्या परिवर्तन आया समाज में? मतलब जो समाज का जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब आई, बहुत सारे फैक्ट्रीज बने, कल कारखाने बने, औद्योगिकीकरण हुआ, यंत्रीकरण हुआ, व्यक्तियों के बजाय मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, उसके कारण समाज में जो परिवर्तन आए, जो प्रक्रियाएं जिन प्रक्रियाओं ने जन्म लिया, उसे ही हम आधुनिकता के रूप में जानते हैं। इन परिवर्तनों के कारण साहित्य और कला के क्षेत्र में भी तेजी से नए चिंतन और नए प्रयोग दिखाई देने लगे। मतलब समाज में जो परिवर्तन होता है किसी भी प्रकार का, तो उसका प्रभाव हमारे साहित्य में दिखाई देने लगता है, हमारी कला में दिखाई देने लगती है, क्योंकि कला और साहित्य के क्षेत्र में नए चिंतन जन्म लेते हैं, नई चिंतन शैली जन्म लेती है और नए नए प्रयोग दिखाई देने लगते हैं। मतलब समाज में जब यंत्रीकरण होने लगा, औद्योगिकीकरण होने लगा, तो उसका प्रभाव हमारी कला और हमारे साहित्य में भी दिखाई देने लगा। इसी क्योंकि साहित्य को हम समाज का दर्पण कहते हैं। आधुनिकतावाद साहित्य और कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बनकर उभरा, और इसी औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप जो आधुनिकतावाद है वह साहित्य और कला के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बनकर उभरा। तो इस प्रकार हम आधुनिकीकरण को जोड़कर देखते हैं, आधुनिकता को जोड़कर देखते हैं औद्योगिकीकरण से और यंत्रीकरण से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से भी इसे जोड़कर देखा जाता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जन्म लेने के बाद समाज में जब यंत्रीकरण का जन्म हुआ, औद्योगिकीकरण का जन्म हुआ, तो उसके कारण कला और साहित्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन आए, उसे ही हम आधुनिकता के रूप में, आधुनिकतावाद के रूप में जानते हैं। अर्थात आधुनिकतावाद प्राचीन जीवन मूल्यों, प्राचीन परंपराओं, रूढ़िगत विचारों के स्थान पर नए विचारों, नए आविष्कारों, नए जीवन मूल्यों को महत्व देता है। अब हम देखते हैं आधुनिकतावाद की अवधारणा क्या है वास्तव में। आधुनिकतावाद का युग यूरोप में 19वीं सदी से शुरू होकर 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक माना जाता है। मतलब आधुनिकतावाद का जन्म कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था, 19वीं सदी से शुरू होकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध तक, मतलब 1950 के बाद तक, मतलब 1801 से शुरू होकर 1950 के बाद से बाद तक। कुछ विचारकों के अनुसार यूरोप में आधुनिकता के दो अलग अलग काल हैं। कुछ विचारक कहते हैं कि यूरोप में भी आधुनिकता के दो अलग अलग काल हैं। पहला आधुनिकतावाद, ये कब से कब तक है? जो अपने प्रारंभ से लेकर 20वीं सदी के आरंभिक दो दशकों तक जारी रहा, 1920 तक जारी रहा। और दूसरा नव आधुनिकतावाद, जो इसके बाद शुरू हुआ। लेकिन आधुनिकतावाद के लिए इस प्रकार का काल विभाजन प्रत्येक देश के लिए संभव नहीं है। ठीक है, यह यूरोप के लिए संभव हो सकता है कि हम आधुनिकतावाद को दो भागों में बांटें, पहला सामान्य आधुनिकतावाद और बाद में नव आधुनिकतावाद। लेकिन यह विश्व के प्रत्येक देशों में हम आधुनिकतावाद को दो कालखंडों में विभाजित नहीं कर सकते। काल का निर्धारण अलग अलग देशों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। प्रत्येक देश की परिस्थितियां अलग हैं, कुछ विकसित देश हैं, कुछ विकासशील देश हैं। तो हम आधुनिकता को दो अलग अलग भागों में नहीं बांट सकते, क्योंकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से जन्म लेती है, गतिशील रहती है। तीसरी दुनिया के देशों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और बाद में शुरू हुई। तीसरी दुनिया के देश, जिसे हम विकासशील देशों के नाम से जानते हैं, उनमें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया बहुत बाद में शुरू हुई। यद्यपि आधुनिकतावाद साहित्य, कला तथा अन्य सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के लिए 20वीं सदी के पूर्वार्ध में प्रचलित रहा, लेकिन वास्तव में साहित्यिक प्रवृत्तियों के समय की कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। कई प्रवृत्तियां कभी कभी एक दूसरे से जुड़ी हुई एक ही समय में प्रवाहित होती रहती हैं। मतलब जो साहित्य की जो प्रवृत्तियां हैं, उसको हम किसी निश्चित कालखंड में विभाजित नहीं कर सकते कि यह साहित्यिक प्रवृत्ति सिर्फ इस समय विद्यमान थी और बाद में यह प्रवृत्ति समाप्त हो गई।
क्योंकि साहित्यिक जो प्रवृत्तियां होती हैं हर समय हर कालखंड में किसी न किसी रूप में विद्यमान होती है। इसलिए इसकी कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। कोई भी प्रवृत्ति किसी भी समय विद्यमान रह सकती है, ना तो ये कभी समाप्त होती है और ना ही समाप्ति की ओर अग्रसर होती है। आधुनिकतावाद का वैचारिक आधार फ्रेडरिक हेगल। फ्रेडरिक हेगल की जो फिलासफी है, फ्रेडरिक हेगल के एक नाम के एक दार्शनिक थे, उनके दर्शन में तलाश किया जा सकता है। आधुनिकतावाद का वैचारिक आधार कहाँ से लिया गया है? फ्रेडरिक हेगल के दर्शन से लिया गया है। हेगल के बारे में कहा गया है कि वह पुरातनवादियों में अंतिम पुरातनवादी और आधुनिकतावादी में प्रथम आधुनिकतावादी थे। मतलब पुरातनवादी मतलब जो प्राचीन विचारधारा के जो समन्वयक थे, प्राचीन विचारधारा को जो मानने वाले थे, उनमें फ्रेडरिक हेगल अंतिम व्यक्ति थे और आधुनिकतावादियों के वह पहले व्यक्ति थे, प्रथम आधुनिकतावादी थे। हेगेल ने इस तथ्य को समझ लिया था कि जब इतिहास की प्रकृति एवं ईश्वर को पृथक कर दिया गया है, तो धर्म, आदि भौतिकता, नैतिकता, विधि तथा प्रकृति से परे जाने की मनुष्य की तीव्र इच्छा उसका विशेष गुण बन जाती है। मतलब जब हम इतिहास के प्रकृति को और ईश्वर को स्वयं से पृथक कर देते हैं, धर्म को पृथक कर देते हैं, तो उसके स्थान पर मनुष्य के जो स्वयं के मनोभाव हैं, मनुष्य की जो स्वयं की इच्छा है, वह ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब समाज की तुलना में व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और उसकी जो इच्छा है वह विशेष गुण बन जाती है। आधुनिकतावाद में अर्थ एवं उद्देश्य की तलाश प्रकृति या धर्म की अपेक्षा इतिहास में होने लगी। मानव इतिहास को, जिसे इतिहास पर हावी कर दिया गया है, बुद्ध प्रेरित समझा जाने लगा, न कि किसी दैवी शक्ति का चमत्कार। इस प्रकार आधुनिकतावाद बुद्धिवाद विज्ञान तथा विकास का पर्याय बन गया। मतलब ईश्वर पर जो हमारी आस्था थी, जो विश्वास था, धर्म पर जो हमारी आस्था थी, विश्वास थी, वह समाप्त हो गया और उसके स्थान पर आधुनिकतावाद का जन्म हुआ। और आधुनिकतावाद किस पर बल देता है? बुद्धिवाद, तर्क पर, विचार पर, बुद्धि पर, विज्ञान पर, विकास पर, इस पर ज़्यादा बल देता है। और यह पुरातन विचारों, ईश्वर पर आस्था, इन सब चीज़ों को, हमारे इतिहास पर आस्था, इन सब को नकारता है और यह तर्क को महत्व देता है, विज्ञान को महत्व देता है, विकास को महत्व देता है। साहित्य की नई प्रवृत्तियां प्रस्फुटन से पूर्व बीज रूप में पूर्व प्रवृत्तियों में मौजूद रहती है। कोई भी साहित्यिक प्रवृत्ति अचानक से जन्म नहीं लेती है, क्योंकि उसके जो पूर्वाभास पहले से परिलक्षित होने लगते हैं, पहले से दिखाई देने लगते हैं। मतलब पहले से वह बीज रूप में विद्यमान रहती है, लेकिन बाद में प्रस्फुटित होती है। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं, कोई पेड़ लगाते हैं, तो उसका बीज हम जमीन में लगा देते हैं, गड़ा देते हैं, उसको मिट्टियों से ढक देते हैं, तो वह पहले से विद्यमान तो रहता है, लेकिन जब उस पर हम पानी डालते हैं, बारिश का पानी पड़ता है, उसको धूप मिलती है, तब फिर वह पौधे के रूप में प्रस्फुटित होता है। वे बाद में आंदोलन की शक्ल ले लेती हैं, और बाद में यही साहित्यिक जो प्रवृत्तियाँ हैं बाद में आंदोलन का शक्ल ले लेती हैं। जैसे हमारा पौधा बाद में पेड़ बन जाता है, वैसे ही जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं बाद में आंदोलन का शक्ल ले लेती हैं। यही कारण है कि कुछ लेखकों ने तो यह भी कह दिया है कि आधुनिकतावाद कोई अलग से साहित्यिक प्रवृत्ति, आंदोलन या सिद्धांत नहीं है, अपितु यह स्वच्छंदतावाद का ही विस्तार है। इसलिए जो हमारे कुछ विद्वान हैं, कुछ विचारक हैं, उनका यह मानना है कि आधुनिकतावाद कोई वाद नहीं है, कोई अलग से जन्म ली हुई साहित्यिक प्रवृत्ति नहीं है, कोई आंदोलन या सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह स्वच्छंदतावाद, मतलब अंग्रेजी में जिसे हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, स्वच्छंदतावाद का ही यह विस्तार है। हिंदी में जैसे छायावाद है, छायावाद पर स्वच्छंदतावाद का प्रभाव है, अंग्रेजी का रोमांटिसिज्म का प्रभाव है। तो यह माना जाता है कि जो आधुनिकतावाद जो है स्वच्छंदतावाद का ही विस्तार है, रोमांटिसिज्म का ही विस्तार है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। टीएस इलियट की काव्य कृति द वेस्टलैंड। टीएस इलियट नाम के एक बहुत ही अंग्रेजी के पोएट हुए हैं, बहुत ही प्रसिद्ध। इनकी एक काव्य कृति है द वेस्टलैंड, और जेम्स जॉयस का उपन्यास यूडिसेज सन 1922 में प्रकाशित हुए। टीएस इलियट की काव्य कृति द वेस्टलैंड और जेम्स जॉयस का उपन्यास यूडिसेज सन 1922 में प्रकाशित हुए। इन कृतियों को साहित्यिक आधुनिकतावाद का मूल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि साहित्य में आधुनिकतावाद इन दोनों कृतियों के प्रकाशन के बाद ही शुरू हुआ। इंग्लैंड की बात हो रही है, बाद में यह सभी देशों में यह विचारधारा फैलती गई।
विचारकों ने अलग अलग देशों में आधुनिकतावाद के विकास का अलग अलग समय निश्चित किया है। जो अनेक विचारक हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, उनका कहना है कि आधुनिकतावाद का विकास अलग अलग देशों में अलग अलग समय में हुआ है। हिंदी में आधुनिकतावाद के उदय को लेकर अनेक प्रकार के मत प्रचलित हैं। मतलब हिंदी साहित्य में आधुनिकतावाद का उदय कब हुआ, इसको लेकर विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। पश्चिमी चिंतन से प्रभावित लोग 19वीं सदी के अंतिम दशकों अर्थात भारतेंदु युग से आधुनिकता का उदय मानते हैं, और कुछ लोग आधुनिकतावाद का संबंध प्रयोगवाद और नई कविता से जोड़ते हैं। मतलब कुछ विद्वान ऐसे हैं जो पश्चिमी चिंतन या पश्चिमी विचारधारा से प्रभावित हैं। उनका यह मानना है कि भारतेंदु के युग के समय से आधुनिकता का उदय होता है, 1850 के बाद आधुनिकता का उदय होता है। और कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जो आधुनिकतावाद है वह प्रयोगवाद और नई कविता से संबंधित है। मतलब प्रयोगवाद पर हिंदी साहित्य की जो प्रयोगवादी विचारधारा है, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद ने जन्म लिया, तो प्रयोगवाद और नई कविता जो है वह आधुनिकतावाद से प्रभावित है और इसका जन्म आधुनिकतावाद से हुआ है, ऐसा कई विचारक मानते हैं। कुछ लोगों का यह भी विश्वास है, कुछ अन्य विचारक भी हैं जिनका यह मानना है कि हिंदी में आधुनिकतावाद का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में उत्पन्न नवीन संवेदनाओं और नई चिंतन दृष्टि के साथ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक, तो उसके बाद जो नई विचारधारा ने जन्म लिया, नई संवेदना, नई चिंतन प्रणाली ने जन्म हुआ, उसके कारण हिंदी में आधुनिकतावाद का उदय हुआ। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंदी में आधुनिकतावाद का उदय हुआ 1945 के बाद। आधुनिकता और आधुनिकतावाद शब्दों के अंतर पर ध्यान देना जरूरी है। इन दोनों शब्दों में क्या अंतर आए देखते हैं। जब हम कहते हैं कि भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, तब आधुनिकता से हमारा अर्थ होता है नवीन वैज्ञानिक तर्कयुक्त दृष्टिकोण जो रूढ़िबद्धता के विरोध में खड़ा हुआ है, और जब आधुनिकता के उदय की बात करते हैं तब इसका आशय विश्व युद्धों के बाद जन्मी संवेदनाओं और विचार दृष्टि से होता है। जब हम आधुनिकता कहते हैं तब इसका तात्पर्य यह है कि भारतेंदु के युग में, जो कि आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, उस समय किन किन विचारधाराओं ने जन्म लिया। नवीन वैज्ञानिक और तर्कयुक्त दृष्टिकोण जो हमारी पुरानी परंपराओं, हमारी रूढ़िबद्धताओं के विरोध में खड़ा होता है। मतलब आधुनिकता से संबंध हमारी आधुनिक विचारधाराओं से है, जो रूढ़िबद्धता के विरोध में जिसने जन्म लिया। लेकिन जब आधुनिकतावाद हम कहते हैं तब यह द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिस प्रकार के मानवीय संवेदनाओं ने, जिस प्रकार की विचारधाराओं ने जन्म लिया, उसे हम कहते हैं कि यह आधुनिकतावाद है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जिन मानवीय संवेदनाओं और वैचारिक दृष्टिकोण ने जन्म लिया, उसे हम कहते हैं आधुनिकतावाद। और भारतेंदु युग जो कि आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, उसे हम कहते हैं कि यह रूढ़िबद्धता के विरुद्ध में आधुनिकता ने जन्म लिया। अब आधुनिकतावाद के मूल तत्व तो क्या हैं, आधुनिकतावाद की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या मूल तत्व, यह देखते हैं। इस पृष्ठभूमि में हम यह देखेंगे कि आधुनिकतावाद के मूल तत्व तो क्या हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको पॉइंट वाइज याद करना है और लिखना है। पहला है मानव प्रकृति, ह्यूमन नेचर, मानव की प्रकृति क्या है। आधुनिकतावाद के अनुसार कोई मूल या आदि मानव प्रकृति नहीं है और ना ही कोई प्राकृतिक व्यवस्था है। मतलब प्रकृति की अपनी व्यवस्था है, मनुष्य जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर किशोर होता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। एक प्राकृतिक व्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है, एक प्रत्येक व्यक्ति की एक मूल प्रवृत्ति होती है, सामाजिक प्रवृत्ति होती है, और प्राकृतिक उसमें कुछ विशेष प्रवृत्तियां लेकर जन्म लेता है। लेकिन आधुनिकतावाद क्या कहता है कि आधुनिकता के वाद के अनुसार कोई मूल प्रवृत्ति नहीं होती, कोई आदिम प्रवृत्ति हमारे मन में पहले से विद्यमान नहीं होती, कोई प्राकृतिक व्यवस्था नहीं होती, कोई प्राकृतिक कंट्रोल नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता। दूसरा, व्यक्ति की प्रमुखता, समाज एक संरचना है जिसमें मूल प्रमुख इकाई व्यक्ति है ना। प्रत्येक समाज की मौलिक इकाई क्या है, व्यक्ति है। आधुनिकतावाद सामाजिक संरचनाओं के बजाय व्यक्ति के स्वरूप तथा आत्मबोध का प्रमुख मानता है। इस तथ्य की ओर संकेत करना आवश्यक है कि मार्क्सवाद में व्यक्ति समाज में लुप्त हो जाता है और अस्तित्ववाद में निरर्थकता तथा निस्सारता में भटकने लगता है। आधुनिकतावाद के अनुसार समाज की तुलना में व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है ना। प्रत्येक व्यक्ति समाज की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका आत्मबोध अधिक महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मार्क्सवाद में व्यक्ति समाज में विलुप्त हो जाता है, समाज में खो जाता है, और अस्तित्ववाद में क्या होता है, व्यक्ति सोचता है कि मेरा जीवन निरर्थक है, व्यर्थ है, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, मेरा जीवन निरुद्देश्य है, मेरे जन्म लेने का कोई अर्थ नहीं है,
निस्सार है, मेरे जीवन का कोई सार नहीं है, मेरा जीवन निरर्थक है, यह अस्तित्ववाद है। और मार्क्सवाद में क्या है, व्यक्ति समाज में विलुप्त हो जाता है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन आधुनिकतावाद के अनुसार व्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, समाज उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैयक्तिकता का प्रभुत्व, जब व्यक्ति महत्व हो गया तो उसका व्यक्तित्व अधिक महत्वपूर्ण हो गया। प्रत्येक वस्तु विचार तथा संरचना पर व्यक्ति की वैयक्तिकता की छाप होती है। मतलब हमारे समाज में, राष्ट्र में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी विचारधाराएं हैं, विचार हैं, और जो समाज का ताना बाना है, संरचना है, उसमें व्यक्ति की व्यक्तित्व का छाप रहता है, उसकी वैयक्तिकता की छाप अंकित है, इंडिविजुअलिटी की छाप अंकित है। आत्म केंद्र में प्रत्येक व्यक्ति की जो आत्मा है, प्रत्येक व्यक्ति की जो सोच है, विचारधारा है, वह केंद्र में है। बाह्य जगत या वस्तुएं या तो मनुष्य की मनोस्थितियों की अभिव्यक्ति मात्र हैं या मात्र उसका प्रतीक है। मतलब हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी विचारधाराएं हैं, जो भी कलाकृति है, या जिन भी चीज़ों का हमने निर्माण किया है, तो वे सभी क्या हैं, प्रतीक मात्र हैं, और उसको बनाने वाला व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है ना। और जो भी चीज़ हम आसपास देखते हैं, वह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रतीक बस है, उसकी अभिव्यक्ति बस है, मतलब व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है। संशय, डाउट, कंफ्यूजन, डाउट से देखना किसी चीज को। आधुनिकतावाद प्रत्येक विश्वास और विचार को संशय की दृष्टि से देखता है, इसी कारण उसमें अनास्था का स्वर प्रमुख है, मुखर है। मतलब जो आधुनिकतावाद है, वह प्रत्येक चीज को, प्रत्येक विश्वास को, परंपरा को, ईश्वर को, सभी को संशय की दृष्टि से देखता है। प्रत्येक विचारधारा को, मतलब जितने भी जीवन मूल्य हैं, सत्य है, अहिंसा है, इन सबको वह संशय की दृष्टि से देखता है, डाउट की दृष्टि से देखता है। इसी कारण उसकी किसी चीज में कोई आस्था नहीं रह गई है। इसीलिए जो आधुनिकतावाद है, उसमें अनास्था का स्वर मुखर है, अनास्था, डाउट। इसके बाद मूल्यहीनता, कोई पारंपरिक, कोई शाश्वत जीवन मूल्य नहीं रह गए हैं। आधुनिकतावाद मूल्यों की स्थिरता में विश्वास नहीं रखता। मूल्य न केवल अनावश्यक तथा अर्थहीन है, बल्कि हानिकारक भी है। उसका कहना है कि हमें परंपराओं से जो जीवन मूल्य प्राप्त हुए हैं, उसकी स्थिरता में नहीं, उसको बनाए रखने में विश्वास नहीं रखता। आधुनिकतावाद का यह मानना है कि जितने भी पारंपरिक जीवन मूल्य हैं, हमारी आस्थाएं हैं, परंपराएं हैं, वो सभी मूल्यहीन हैं, अनावश्यक हैं, अर्थहीन हैं, और केवल इतना ही नहीं, बल्कि वे हमारे लिए हानिकारक भी हैं, मतलब व्यक्ति के विकास के लिए वे हानिकारक हैं। मूल्यों का संकट इस हद तक गहरा हो गया है कि लेखक किसी प्रकार की प्रतिबद्धता या लेखकीय दायित्व को स्वीकार नहीं करता है। मतलब जीवन मूल्यों का संकट इतना गहरा हो गया है कि लेखक अपने आप को समाज के लिए, मतलब वह अपने आप को लेखकीय दायित्व, वह नहीं समझता कि वह समाज के लिए प्रतिबद्ध है, समाज के लिए उसकी कुछ प्रतिबद्धता है, समाज के लिए उसका कोई दायित्व है, एक लेखक के रूप में समाज के प्रति उसका कोई दायित्व है, इसे वह स्वीकार नहीं करता। सिर्फ वह लिखते चला जाता है, जो उसको महसूस होता है वह लिखते चला जाता है, वह इस बात की परवाह नहीं करता कि समाज को इससे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, कि मैं जो लिख रहा हूँ समाज पर उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, कि लेखक के रूप में मेरा क्या दायित्व है, इसका उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मूल्यहीनता की स्थिति है। छठवां, तात्कालिकता। आधुनिकता अतीत से विमुख होकर वर्तमान में शरण लेता है। मतलब आधुनिकता को अतीत से कोई लेना देना नहीं है, वह आधुनिकता, वह अपनी अतीत की उपेक्षा करता है, अपनी परंपराओं की उपेक्षा करता है, अपने भूतकाल की उपेक्षा करता है, और वह वर्तमान में शरण लेता है। उसे सिर्फ वर्तमान से मतलब है, उसके अपने पास्ट से, भूतकाल से मतलब नहीं है। वह स्थायी अनुभव की अपेक्षा क्षणिक अनुभव की अभिव्यक्ति करता है, अतः मनुष्य के अनुभव क्षणिक तथा विखंडित होते हैं। मतलब वह क्या करता है कि अभी मुझे इस क्षण को जी लेना है, मुझे जीवन में ये मेरा जो क्षण मिला हुआ है, इसको मुझे उसकी पूरी सार्थकता के साथ जी लेना है, और स्थायी अनुभव जैसे कोई बात नहीं है कि मैं हमेशा के लिए सुखी बने रहूं, कि मेरे को भविष्य के लिए भी कुछ संचय करके रखना है, समाज के लिए कुछ करके जाना है, उससे उसे मतलब नहीं है, उसे इसी वर्तमान क्षण में ही पूरे जीवन को जीना है। इसीलिए मनुष्य के अनुभव क्षणिक तथा विखंडित होते हैं, चूँकि वह वर्तमान समय को ही पूरा भोग लेना चाहता है कि वर्तमान में मुझे जीना है, वर्तमान में सुख सुविधाओं का लाभ उठाना है, और किसी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, इसीलिए उसका व्यक्तित्व विखंडित होता है, उसके अनुभव क्षणिक तथा विखंडित होते हैं। व्यवस्था का विरोध करता है, व्यवस्था का विरोध आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद धर्म, प्रकृति, परंपरा, नैतिकता, प्रतिबद्धता, आस्था, मूल्यों तथा प्रत्येक प्रचलित विचार तथा वस्तु स्थिति और व्यवस्था को चुनौती देता है। आधुनिकतावाद है जो इन सारी चीज़ों का विरोध करता है, उनको चुनौती देता है।
हमारी धर्म है, हमारी प्रकृति है, परंपरा है, नैतिकता है, प्रतिबद्धता है समाज के प्रति, हमारी आस्था, हमारे जीवन मूल्य और जो भी प्रचलित विचार हैं, है ना, और जो व्यवस्था है, सामाजिक जो व्यवस्था है उसको चुनौती देता है, उसका विरोध करता है, उनको चैलेंज करता है। वह आदि भौतिकतावाद, रोमांटिकवाद, यहाँ तक कि यथार्थवाद का भी विरोध करता है। मतलब वह भौतिकतावाद का भी विरोध करता है, रोमांटिकवाद का भी विरोध करता है, वह यथार्थवाद का भी विरोध करता है। विद्रोह उसका मूल स्वर है। मतलब जितने भी प्रचलित व्यवस्था है, जो प्रचलित जीवन मूल्य हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे आस्था, विश्वास, रूढ़ियाँ, इन सभी चीज़ों का वह विरोध करता है। मतलब जो पहले से चली आई जो चीज़ें हैं, अतीत से जो चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, उन सभी का आधुनिकतावाद विरोध करता है। दमन के विरुद्ध, एक अच्छी बात इसमें है कि आधुनिकतावाद हर प्रकार के सामाजिक, नैतिक, वैचारिक तथा यौन दमन के विरुद्ध है। तो ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें ठीक है कि सामाजिक जो दमन है, जो सोसाइटी में लोगों को दबाया जा रहा है नैतिक रूप से, वैचारिक रूप से, उनका दमन करना ठीक है, और यौन दमन के भी विरुद्ध है। मतलब यौन स्वच्छंदता का समर्थक है, यौन दमन के विरुद्ध है। तो आधुनिकतावाद किसी भी प्रकार के दमन का विरोध करता है, चाहे वह सामाजिक दमन हो, चाहे नैतिक रूप से हो, चाहे वैचारिक रूप से हो, चाहे यौन दमन हो। साहित्यिक आधुनिकतावाद, अब हम देखते हैं कि साहित्यिक आधुनिकतावाद क्या है, साहित्यिक आधुनिकतावाद की क्या विशेषताएं हैं, आधुनिकतावाद के कारण हिंदी साहित्य में क्या क्या परिवर्तन आए, या किसी भी साहित्य में आधुनिकतावाद के कारण क्या क्या परिवर्तन आते हैं। आधुनिकतावाद का क्या प्रभाव हुआ? आधुनिकतावाद के प्रभाव के अंतर्गत विशुद्ध तथा अमूर्त कला एवं साहित्य का सृजन होने लगा, जिसका संबंध बाह्य जगत या यथार्थ से नहीं। आधुनिकतावाद का क्या प्रभाव पड़ा? चूंकि हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता पूरी तरह से समाप्त हो गई, इसीलिए सिर्फ कला का सृजन किया जाने लगा, रूप पर ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। मतलब जो साहित्यकार, जो लेखक और कवि लोग जो लेख लिखने लगे, जो कविता लिखने लगे, या कलाकार जो कलाकृतियों का सृजन करने लगे, तो उनके मन में, उनकी कल्पनाओं में जो चीजें थी उसका उन्होंने सृजन किया, लेकिन इसका संबंध बाह्य जगत या यथार्थ से नहीं है। मतलब उन्होंने अपने मन में कोई सोचा, कुछ कल्पना किया और उसका उन्होंने मूर्त रूप में अपने उन्होंने लिख दिया, लेकिन इन चीजों का संबंध समाज से किसी भी प्रकार नहीं। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस कला का, इस साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मुझे लिखना है इसलिए मुझे लिखना है। दूसरा, साहित्य का कोई सामाजिक प्रयोजन नहीं, समाज से साहित्य का कोई प्रयोजन नहीं था कि समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो साहित्य समाज के लिए उपयोगी है या अनावश्यक है या निरर्थक है। इसी कारण साहित्य मूल्यों तथा उद्देश्यों से पृथक होकर विकसित होने लगा, क्योंकि पहले साहित्यकार लोग जो साहित्य लिखते थे वह समाज सुधार के उद्देश्य से, लोगों में जागरूकता लाने के लिए, लोगों में क्रांति लाने के लिए, बगावत लाने के लिए, है ना, इन सब चीज़ों के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए पहले साहित्य लिखा जाने लगा। लेकिन साहित्यिक आधुनिकतावाद में क्या हुआ? सामाजिक कोई प्रयोजन उसका नहीं रहा, कोई उद्देश्य नहीं रहा, इसीलिए उसमें कोई साहित्यिक मूल्य नहीं पाए जाते और वह अपने उद्देश्यों से पृथक होकर विकसित होने लगा, अलग अलग दिशाओं में जाने लगा। यदि कोई मूल्य है, उद्देश्य है, तो वह प्रयोग में है। तो आधुनिकता, साहित्यिक आधुनिकतावाद की सबसे जो प्रमुख विशेषता है वह प्रयोगवाद है। रूप में प्रयोग, शैली में प्रयोग, कंटेंट में, मतलब वस्तु में प्रयोग, नए नए प्रयोग होने लगे। मतलब प्रयोग के लिए ही वे, प्रयोग ही उनका मुख्य उद्देश्य बन गया कि हमको साहित्य में, कला में, कला के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करना है, नई नई चीज़ों को लेकर हमको आना है। तो प्रयोग ही उनका मुख्य उद्देश्य हो गया, मूल्यहीनता की स्थिति हो गई और प्रयोग करना मुख्य उद्देश्य हो गया। यही कारण है कि आधुनिकतावादी साहित्य कला की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करता, वह रूपवाद की ओर झुकता है। इसलिए जो आधुनिकतावादी साहित्य है वह क्या है? कला की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करता। कला की उपयोगिता मतलब कि कला समाज के लिए उपयोगी है, कला के द्वारा समाज में सुधार लाया जा सकता है, क्रांति की जा सकती है, बगावत की जा सकती है ना, लोगों को उच्चतर जीवन मूल्यों के, उदात्त जीवन मूल्यों की ओर उन्मुख करना उसका उद्देश्य नहीं रहा, बल्कि जो प्रयोग है, जो रूप है, जो शैली है, वह ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। मतलब आधुनिकतावाद रूपवाद की ओर अधिक झुकता है। रूपवाद क्या है? रूप कैसा रहेगा, साहित्य का रूप और जिसका स्वरूप है, जो शैली है, जो स्टाइल है, वे ऑफ राइटिंग है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, तो यह नया होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। साहित्य का रूप अलग होना चाहिए, शैली अलग होनी चाहिए, नए नए चीज़ों का प्रयोग होना चाहिए। तो साहित्य क्या है? समाज के लिए उपयोगी तो नहीं रह गया, लेकिन प्रयोगवादी कविता हो गई, कविता में प्रयोग होने लगा, रूप को महत्व दिया जाने लगा, कंटेंट के बजाय
रूप को महत्व देने जाने दिया जाने लगा, नए स्टाइल को महत्व दिया जाने लगा। इसके बाद साहित्य का बाह्य जगत आम आदमी से कोई संबंध नहीं है। तो ये आधुनिकतावाद क्या कहता है, साहित्य का आधुनिकतावाद, साहित्य का बाह्य जगत से आम आदमी से कोई संबंध नहीं है, मतलब समाज से कोई संबंध नहीं है। मैं लिखूंगा अपनी खुशी के लिए लिखूंगा, मुझे जो अच्छा लगता है वह मैं लिखूंगा, ऐसा सोचने लगे। साहित्य जन रुचि के अनुकूल नहीं रचा जाता, मतलब जो साहित्यकार थे, जो लेखक थे, जो कवि थे, उनको यह मतलब नहीं था कि यह लोगों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, कि यह उनकी रुचि के अनुकूल है कि नहीं है। साहित्य आम पाठक के लिए उपयोगी नहीं और न ही वह सामान्य पाठक या जन के प्रति उत्तरदायी है। तो आधुनिकतावाद के अनुसार साहित्यकारों का यह मानना है कि साहित्य आम पाठक के लिए उपयोगी होगा कि नहीं, उसके काम का है कि नहीं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ना मैं समाज के लिए उत्तरदायी हूँ, ना मैं अपने पाठक के लिए उत्तरदायी हूँ, है ना। मुझे लिखना है इसलिए मैं लिखता हूँ, वह आपको अच्छा लगे या ना लगे, वह आपकी रुचि के अनुकूल हो या ना हो। तो इससे आधुनिकतावाद में साहित्यकारों के इससे कोई सरोकार नहीं रहा। साहित्यिक आधुनिकतावाद में लेखक और पाठक का संबंध विच्छेद हो गया। जब लेखक यह सोचकर लिखने लगा कि मुझे अपने पाठक से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो लिखूंगा अपनी खुशी के लिए, तो इसी कारण साहित्यकार मतलब जो लेखक है और जो पाठक है उनके बीच में दूरियां आ गई, उनके बीच संबंध विच्छेद हो गया। स्वांता सुखा लिखने लगे, साहित्य का अपना स्वायत्त संसार है, यह संसार अपने में परिपूर्ण है। आधुनिकतावाद के अनुसार क्या है, साहित्यकारों की अपनी एक अलग ही दुनिया है, उनकी एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एक अलग ही दुनिया है, साहित्य संसार है, आजाद है, स्वतंत्र है, हर साहित्यकार स्वतंत्र है, उसका अपना एक संसार है और उसको जो अच्छा लगेगा वह लिखेगा। आधुनिकतावादी साहित्य परंपरा तथा शास्त्रीय नियमों के पालन के बजाय प्रयोग तथा नवीनता को तरजीह देता है। तो आधुनिकतावादी विचारधारा जो हमारे पारंपरिक जीवन मूल्य हैं, जो शास्त्रीय, जो हमारे पुराणों या शास्त्रों में जो उल्लिखित नियम कानून है, उनको महत्व नहीं देता, बल्कि वह किसको महत्व देता है, प्रयोग को, नवीनता को, कि मैं कैसे साहित्य में नए नया प्रयोग करूँ, कैसे नए नए कंटेंट लेकर आऊँ, है ना, नवीनता को तरजीह देता है, महत्व देता है। नवीन से नवीनतर सृजन करने की तीव्र इच्छा के कारण प्रयोग अपने आप में ध्येय और मूल्य बन जाता है। मतलब इसी कारण क्या हुआ, जो प्रयोग है साहित्य में, जो प्रयोग है, नए नए प्रयोग हैं, वह मुख्य हो गया, है ना, और प्रयोग अपने आप में ही मूल्य बन गया, प्रयोग अपने आप में एक उद्देश्य बन गया, प्रयोग अपने आप में एक मूल्य बन गया, जीवन मूल्य, मतलब साहित्यकारों के लिए प्रयोग अपने आप में एक उद्देश्य हो गया, एक लक्ष्य हो गया। प्रति क्षण नया होने, कुछ अपूर्व विलक्षण अथवा अद्वितीय प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आधुनिकतावाद में क्या माना जाता है कि हर समय कुछ नया रचते रहिए, कुछ अपूर्व जो पहले न रचा गया हो, जो विलक्षण हो, जो बिल्कुल नया हो और अद्वितीय हो, जो दूसरों से हट कर हो, जो दूसरों से अच्छा हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रूप, रूप मतलब स्टाइल, शिल्प, शिल्प कैसा होगा उसका, जैसे महाकाव्य है कि खंड काव्य है, शिल्प शैली, किस स्टाइल में उसको लिखना है, कैसी शैली रहेगी, गद्य शैली, पद्य शैली के नित्य नए नए प्रयोग साहित्यिक आधुनिकतावाद की विशेषता है। मतलब रूप शैली और रूप शिल्प और शैली में नए प्रयोग होने चाहिए, नवीनता के रूप में इन्हें रची जानी चाहिए। नई भाषा, नई संरचना, नई शब्दावली, पुराने प्रचलित शब्दों का नया अर्थ, नई साहित्यिक पदावली की झलक, ऐसे साहित्य की पहचान बन गई है। मतलब आधुनिकतावादी साहित्य की पहचान क्या है, नई भाषा, नई संरचना, नई शब्दावली, पुराने प्रचलित शब्दों में नया अर्थ भरना, नई साहित्यिक पदावली, यह इसकी विशेषता है। सुप्रसिद्ध आधुनिकतावादी कवि एजरा पाउंड ने तो यहाँ तक कहा, कह दिया है कि अच्छी कविता कभी भी 20 वर्ष पुरानी शैली में नहीं लिखा जा सकती। जो सर्वाधिक प्रमुख आधुनिकतावादी कवि है एजरा पाउंड नाम के, उन्होंने क्या कहा है कि 20 साल पुरानी जो शैली है ना, उसमें आप आज की कविता को नहीं लिख सकते। आज की कविता को लिखने के लिए हमें नई शैली चाहिए, नया, नई शैली चाहिए, नया रूप चाहिए, नया शिल्प चाहिए, नई शब्दावली चाहिए। 20 वर्ष पुराने स्टाइल में हम आज की कविता को नहीं लिख सकते। कई बार ऐसा लगता है कि आधुनिकतावादी लेखक चौंकाने या सनसनी फैलाने के लिए उत्तेजना, आघात और आतंक का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए ही भाषा और शैली में नए परिवर्तन लाते हैं। तो जब आधुनिकतावादी हम साहित्य को पढ़ते हैं, तब कभी कभी यह प्रतीत होता है कि आधुनिकतावादी जो कवि या लेखक हैं, वो सिर्फ चौंकाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, अभी उत्तेजना फैलाने के लिए, आघात और आतंक फैलाने के लिए, उसका प्रभाव उत्पन्न करने के लिए भाषा और शैली में नए परिवर्तन करते हैं, नए परिवर्तन लेकर आते हैं। साहित्यिक कृति में अनुविति, सुसंबद्धता तथा युक्ति संगत व्यवस्था आवश्यक नहीं है। मतलब जो तारतम्य होता है साहित्य में,
जैसे आप कोई किताब को पढ़ते चले जाते हैं शुरू से आखिरी तक, या जो पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, मतलब प्रत्येक पृष्ठ अपने पहले पृष्ठ से जुड़ा हुआ रहता है, वैसा कुछ नहीं रह गया। कोई तार्किक या युक्तिसंगत व्यवस्था नहीं रह गई, कोई पर्टिकुलर व्यवस्था नहीं रह गई, है ना। मतलब एक दो ऐसा नहीं कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और वो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, सभी कहानियां, सभी गीत गजल। साहित्य का सौंदर्य बहुत संदिग्ध हो गया। कुछ कृतियों में विभत्स का चित्रण द कल्ट ऑफ अग्लीनेस अनिवार्य समझा जाने लगा। मतलब जो साहित्य का सौंदर्य बोध होता है, जिसको पढ़ के हमको आत्मिक शांति शांति मिलती थी, जो हम लेखक या कवि से तादात्म्य स्थापित कर पाते थे, जो साधारणीकरण होता था, मतलब लेखक या कवि के मन में जो भावनाएं हैं वही भावनाएं हमारे मन में भी जो जन्म लेती थी, वह जो सौंदर्य बोध था कविता, कविता की जो खूबसूरती थी, वह संदिग्ध हो गया, समाप्त हो गई, संदिग्ध हो गई। कुछ कृतियों में विभत्स का चित्रण किया जाने लगा, अनिवार्य समझा जाने लगा। मतलब विभत्स जो समाज की विद्रूपताएं हैं या उनके मन में उठने वाले जो भावनाएं हैं, विद्रूप भावनाएं हैं, उनका चित्रण अनिवार्य समझा जाने लगा। इस तरह के चित्र बनाए जाने लगे जो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत विभत्स थे, इस तरह का साहित्य रचा जाने लगा। तो यह आधुनिकतावाद का ही प्रभाव है। साहित्यिक कृतियों को पूर्णता की दृष्टि से नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। मतलब पहले जब हम किसी साहित्य का अध्ययन करते थे, किसी कविता का या किसी लेख का, तो हम शुरू से आखिरी तक हम उसको एक ही धागा में पूरा पूरा पिरोया हुआ देखते थे, कि हम शुरू से आखिरी तक पढ़ते चले जाते थे और इसी प्रकार उसका अध्ययन करते थे। लेकिन अब क्या है, किसी साहित्य को समझना है तो उसे अलग अलग हिस्सों को समझना पड़ेगा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर समझना पड़ेगा, इसको देखने की आवश्यकता है। मनुष्य के अनुभव में जो अराजकता है, आधुनिक साहित्य में उसे ही प्रस्तुत करता है। मतलब एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर जो महसूस करता है, जो अनुभव करता है, चाहे उसकी सोच अच्छी हो या बुरी हो, उसे ही वह साहित्य में प्रस्तुत करता है। क्योंकि समाज से कोई सरोकार नहीं है, कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है उसका समाज के लिए कि वह कुछ सकारात्मक रचना करे। इसीलिए क्या है, उसके अनुभव में जो अराजकता है वह साहित्य में परिलक्षित होता है। मनुष्य अपने सामाजिक परिवेश, परिवार तथा वर्तमान परिस्थिति से बेजारी, बेगानगी तथा अलगाव महसूस करता है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है। सिर्फ वह स्वयं को महत्व देता है, अपनी विचारधारा को, अपने दृष्टिकोण को महत्व देता है। इसीलिए वह वर्तमान परिस्थिति में अपने समाज से, अपने परिवार से कटता चला जा रहा है और वह एक अलगाव का अनुभव करता है ना, बेजार हो चुका है वह व्यक्ति। भीड़ में भी अकेला है, एकाकीपन और अलगाव आधुनिकतावादी साहित्य कृतियों का मुख्य सरोकार। व्यक्ति भले ही अपने परिवार के साथ है, अपने समाज में है और भीड़ में है, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। तो एकाकीपन और अलगाव, समाज से अलगाव, परिवार से अलगाव, भीड़ से अलगाव, तो एकाकीपन और अलगाव जो है वह आधुनिकतावादी साहित्य कृतियों का मुख्य सरोकार है ना। एकाकीपन, लोनलीनेस, अलगाव मतलब एलिनिएशन। मनुष्य अपनी पहचान खो चुका है, वह तन्हा, गुमशुदा, बेचेहरा, बेनाम, बेसहारा, स्वत्व की तलाश में भटक रहा है। मनुष्य की खुद की आइडेंटिटी नहीं रह गई है, उसकी खुद की कोई पहचान नहीं रह गई है, क्योंकि किसी व्यक्ति की पहचान होती है उसके परिवार से, उसके समाज से, उसके राष्ट्र से। लेकिन चूंकि व्यक्ति अपने को कटा हुआ पाता है, अपने आप में अलगाव महसूस कर रहा है, इसीलिए वह क्या है, वह तन्हा महसूस कर रहा है, अकेलापन महसूस कर रहा है, वह गुमशुदा है, खुद में ही खोया हुआ है, बेचेहरा है, उसका कोई चेहरा नहीं रह गया, बेनाम है, उसकी कोई पहचान नहीं है, वह बेसहारा है और सेल्फ की तलाश में, खुद की तलाश में वह भटक रहा है। यह आधुनिक साहित्यवाद, आधुनिकतावाद, साहित्यिक आधुनिकतावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। मनुष्य ग्रंथियों तथा विकृतियों से ग्रस्त है, उसके अंतर्मन में प्रवेश करके ही साहित्य में इसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है। मतलब मनुष्य में बहुत सारी ग्रंथियों ने जन्म ले लिया है, जैसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ने जन्म लिया है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता के, या फिर इन्फियरिटी कॉम्प्लेक्स। चाहे वह अपने आप को बहुत ही महान, महत्वपूर्ण समझने लगा है, कभी कभी वह बहुत ही अपने आप को तुच्छ और घृणित समझने लगा है। बहुत सारी विकृतियों ने मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें जन्म ले लिया है, उसके अंतर्मन में प्रवेश करके ही साहित्य में इसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है। मतलब यदि हम आधुनिकतावादी साहित्य को समझना चाहते हैं, तब सबसे पहले हमको लेखक या कवि के अंतर्मन में प्रवेश करना पड़ेगा कि वह हीनता बोध से ग्रस्त है, कि वह श्रेष्ठता बोध की ग्रंथि ने उसमें जन्म ले लिया है। मतलब किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक स्थितियों में, परिस्थितियों में उसने इस साहित्य को रचा है। यदि उसकी लिखी हुई, उसके लिखे हुए साहित्य को समझना है,
तब हमको उसके अंतर्मन में प्रवेश करना होगा, तभी हम उसको भली भांति समझ पाएंगे कि उसने किस लिए यह लिखा है। कथा पात्र में जो परिवर्तन आया है उसके कारण सामान्य व्यक्ति के बजाय प्रतिनायक एंटी हीरो साहित्य में प्रतिष्ठित हो गया है। मतलब कई फिल्में हम देखते हैं जिसमें हम खलनायक को ज्यादा पसंद करते हैं, एंटी हीरो है ना, प्रतिनायक को पसंद करते हैं, तो इसलिए कथा पात्र में यह परिवर्तन हो गया है। अब आपको कोई पारंपरिक नायक नहीं दिखेगा, बल्कि यहाँ पर जो प्रतिनायक है एंटी हीरो साहित्य में प्रतिष्ठित हो गया है। जैसे आपने बाजीगर फिल्म में देखा है, बाजीगर फिल्म में जो शाहरुख खान का जो कैरेक्टर था वह प्रतिनायक है, एंटी हीरो है, तो वैसे ही प्रतिनायक ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। डर फिल्मों में भी आपने देखा होगा, तो इस तरह की फिल्मों में प्रतिनायक महत्वपूर्ण हो गया। आधुनिकतावाद वस्तु यथार्थ की अपेक्षा अनुभव की प्रामाणिकता पर बल देता है। मतलब जो हमारे आधुनिकतावाद जो हमारे सामाजिक यथार्थ हैं, समाज में जो हम देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसके बजाय अनुभव की प्रामाणिकता पर बल देता है। मतलब साहित्यकार ने अपने मन में क्या अनुभव किया वह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक कोई सरोकार नहीं है, सामाजिक यथार्थ से उसे कोई लेना देना नहीं है। वह अपने मन में व्यक्तिगत तौर पर क्या महसूस करता है, क्या फील करता है, उसे ही वह रचता है। विचारधारा के विपरीत मनुष्य के अनुभव की समस्या पर प्रवृत्ति को स्थापित करता है। मतलब कोई विचारधारा, जितनी भी पुरानी प्राचीन विचारधाराएं थी, जीवन मूल्य थे, वे सब नष्ट हो गए हैं, और मनुष्य के जो स्वयं के अनुभव है, मनुष्य के जो स्वयं की जो समस्याएं हैं, उसे साहित्यकार अपनी रचनाओं में स्थान देता है कि वह क्या महसूस करता है, उसको क्या समस्या है समाज से, देश से, राष्ट्र से। आधुनिकतावाद प्रकृतिवाद के विरुद्ध व्यक्ति की जटिल मानसिकता, अंतर्निहित प्रेरिकाओं और अछूती संवेदनाओं को प्रस्तुत करता है। आधुनिकतावाद का मतलब हमारे प्रकृति से, आसपास से, हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, समाज के प्रति उसका कोई जवाबदेही नहीं है। इसीलिए उसकी जो जटिल मानसिकता है, जो खुद की मानसिकता है, जो अंतः प्रेरणा से जो वह रचता है, और उसके मन की जो अछूती संवेदनाएं हैं, जिन संवेदनाओं को वह प्रकट नहीं कर पाया है, उसे ही वह अपने साहित्य में स्थान देता है। वह व्यक्ति की विषम परिस्थिति तथा नैतिक दुविधा को वैचारिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर देखने पर बल देता है। मतलब उसके कोई वैचारिक या नैतिक पूर्वाग्रह नहीं है, व्यक्ति की जो विषम परिस्थिति है उसका ही वह उल्लेख अपने साहित्य में करता है। आधुनिकतावाद वस्तु यथार्थ बोध के बजाय आत्मबोध या स्वत्व बोध में विश्वास रखता है, इसलिए मनुष्य के अंतर्मन में सत्य का अन्वेषण करता है। मतलब वह समाज से व्यक्ति की ओर यह साहित्य उन्मुख होता है। मतलब यह आधुनिकतावाद जो सामाजिक यथार्थ हैं, जो सामाजिक विडंबनाएं हैं, उसके बजाय यह एक व्यक्तिगत अनुभव को ज्यादा महत्व देता है। समाज के अनुभव के आधार बजाय यह व्यक्ति के पर्सनल नीति निजी निजी अनुभवों को महत्व देता है, निजी अनुभवों को में विश्वास रखता है। इसीलिए मनुष्य के अंतर्मन में जो सत्य है, मनुष्य के अंतर्मन में जो द्वंद्व चल रहा है, उसको ज्यादा महत्व देता है। मतलब सामाजिक यथार्थ के बजाय जो रचनाकार है उसके मन में चलने वाले अंतर्द्वंद को वह अधिक महत्व देता है कि उसके विश्वास क्या है, उसकी मान्यताएं क्या है, और उसी के आधार पर वह अपने साहित्य का सृजन करता है। साहित्य की प्रामाणिकता अनुभूति में निहित है, ना कि बाह्य वस्तु स्थिति में। मतलब वह अपने उस साहित्य को प्रामाणिक मानता है जिसे वह अपने निजी अनुभवों के आधार पर रचता है, ना कि बाह्य वस्तु स्थिति में। मतलब जो कि बाहरी जो परिस्थितियां हैं उससे उसे कोई लेना देना नहीं है, उसके जो स्वयं की अनुभूति है, उसने क्या अनुभव किया, उसे ही वह महत्व देता है और उसी साहित्य को वह प्रामाणिक मानता है। कतिपय आधुनिकतावादी लेखक आदिम मानव की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करके और समाज, संस्कृति, धर्म तथा नैतिक मूल्यों का उपहास करके ही आधुनिकतावाद का प्रमाण देते हैं। तात्कालिक क्षणिक अनुभव को प्रामाणिक माना जाता है। कुछ ऐसे आधुनिकतावादी लेखक भी हुए हैं जो कि हमारी मानव मन की जो आदिम प्रवृत्तियां हैं, जो आदिम हमारा जीवन था, उन्हीं प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है और क्या बताता है कि जो हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म तथा नैतिक मूल्य हैं वह बेकार हैं, क्योंकि मनुष्य आज भी उसी प्रकार की आदिम विचारधाराओं को जी रहा है, और इस प्रकार वह आधुनिकतावाद का प्रमाण देता है। मतलब वह सोचता है कि हमारे जो समाज की जो संस्कृति है, जो धर्म है, नैतिक मूल्य है, यह आउटडेटेड हो चुके हैं, इनका कोई महत्व नहीं रह गया है, यह हमारे आदिम विचारधाराओं को हम आज भी ढो रहे हैं, और इसको क्या करता है वह इस पर हंसी उड़ाता है, इसकी हंसी उड़ाता है, इन मूल्यों का उपहास करता है और तात्कालिक अनुभव को ज्यादा महत्व देता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है जो आधुनिकतावादी जो लेखक हैं वह इस क्षण को जीते हैं, वह प्राचीन परंपराओं से अपने आप को कटा हुआ पाते हैं और प्राचीन जीवन मूल्यों का उपहास करते हैं। मनुष्य की गति आत्म की खोज में है।
आत्म की खोज मतलब स्वयं की खोज, वह स्वयं की खोज में है। सब कुछ आत्म का, आत्म द्वारा आत्म के लिए है। मनुष्य की यात्रा बाह्य जगत में ना होकर अंतस्थ में होती है, मतलब मनुष्य की जो जीवन की जो यात्रा है वह अंदर से बाहर की ओर नहीं बल्कि बाहर से अंदर की ओर होती है। वह खुद को तलाश रहा है, खुद को खोज रहा है, अपने सेल्फ को खोज रहा है, खुद की तलाश में है व्यक्ति। सत्यता के बजाय ईमानदारी और स्थिर यथार्थ के बजाय गतिशील मानव चेतना को महत्व दिया जाता है, मतलब जो सत्य है उसके बजाय ईमानदारी को महत्व देता है। स्थिर यथार्थ मतलब समाज के जो नैतिक जीवन मूल्य, जो स्थापित जीवन मूल्य हैं, जो नैतिक हैं, जो यथार्थ हैं, उनको महत्व नहीं देता बल्कि गतिशील चेतना को महत्व देता है। गतिशील चेतना से यह तात्पर्य है निरंतर नवीन प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख होना, नई नई चीजों, नई नई विचारधाराओं को जन्म देना, नए विचारों को, नई शैली को, नए रूप को, इसको जन्म देना, यह गतिशील मानव चेतना है, इसी को ही महत्व दिया जाता है। आधुनिकतावाद निश्चितता, पूर्णता, स्थिर और शाश्वत के बजाय सापेक्षता में विश्वास रखता है। आधुनिकतावाद मतलब वर्तमान समय में जो सापेक्षता है, एक चीज की तुलना में दूसरी चीज कैसी है, एक चीज की तुलना में दूसरी उसके सापेक्षता में कैसी है दूसरी चीज, इस पर महत्व देता है। वह इस बात पर महत्व नहीं देता कि कोई चीज निश्चित है, या हमारे निश्चित जीवन मूल्य हैं, यह हमारे जीवन मूल्य मतलब स्थिर हैं, पूर्ण हैं, शाश्वत हैं, इनको महत्व नहीं देता बल्कि वह सापेक्षता में विश्वास रखता है। दूसरों की तुलना में वह क्या बेहतर कर सकता है, दूसरों की सापेक्षता में वह अपने आप को कैसे नई चीज़ों, नई प्रवृत्तियों की ओर उन्मुख कर सकता है, और रूप शैली और पदों और शब्दावली के रूप में नए नई प्रकार की रचनाएं कर सकता है। इस प्रवृत्ति को कुछ लेखक शून्यवाद का एक रूप मानते हैं क्योंकि इसमें मनुष्य संबंध विच्छेद होने के कारण साहित्य सामाजिक सरोकारों से दूर हो गया है। मतलब शून्यवाद मतलब कुछ भी बाकी नहीं रहा, सभी जीवन मूल्य नष्ट हो चुके हैं, मनुष्य का समाज से संबंध विच्छेद हो चुका है, इसलिए मनुष्य क्या है सामाजिक सरोकारों से दूर हो गया। उसे अपने समाज से, अपने राष्ट्र से, अपने आसपास से कोई लेना देना नहीं है, मतलब एक शून्य, एक वैक्यूम की स्थिति पैदा हो गई है। आधुनिकतावाद से पूर्व केंद्र में उत्तर थे, मतलब किसी प्रश्न का जो उत्तर था वह आधुनिकतावाद से पूर्व केंद्र में था, लेकिन इसमें केंद्र में प्रश्न है। आधुनिकतावाद हर चीजों पर प्रश्न उठाता है, सभी चीजों को संशय की दृष्टि से देखता है, प्रश्नों की बहुलता है, सभी प्रश्नों का वह उत्तर जानना चाहता है। आवश्यक नहीं इन प्रश्नों के उत्तर मौजूद हों जिन्हें सही माना जाता है, प्रश्नों को बार बार हर बार नए अंदाज में उठाया जाता है। मतलब आधुनिकतावाद में प्रश्न ही प्रश्न है, संशय ही संशय है, और उत्तर कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं है। इस प्रकार आधुनिकतावाद की विशेषताओं की लंबी सूची तैयार की जा सकती है। इरविंग हो के कथनानुसार सामान्य नैतिकता कृत्रिम है, रुचि भ्रामक और परंपरा एक जंजीर है। यह एक स्टेटमेंट है कि मतलब सामान्य रूप से जो नैतिकता है वह बनी बनाई नैतिकता है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है, रुचि है और भ्रामक है। मतलब समाज के लिए, समाज की रुचि के आधार पर यदि हम रचना करेंगे तो यह भ्रामक है, सिर्फ भ्रम फैलाएंगे। और परंपरा एक जंजीर है, परंपरा वह चीज़ है जो हमें स्वतंत्र रहने नहीं देती। और नैतिकता क्या है, कोई नैतिकता जैसी चीज़ नहीं है, यह सिर्फ कृत्रिमता है। परंपरा हमारे लिए एक जंजीर है जो हमें विकसित नहीं होने देती, जो हमें विकास नहीं करने देती। यह एक विचित्र विरोधाभास है कि आधुनिकतावाद को सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। अब आधुनिकतावाद आपने कह दिया तो निरंतर नई चीजें आनी चाहिए। किसी चीज को आप आधुनिक कब कहेंगे, कि वह रोज उसमें कुछ परिवर्तन हो, रोज कुछ नई चीजें आए। इसलिए आधुनिकतावाद को जिंदा रहने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ रहा है, तभी वह नवीन से नवीनतम प्रयोग कर सकता है। रोज रोज कहाँ से नए प्रयोग कर पाएगा कोई व्यक्ति, लेकिन जिस समय वह सफल हो जाएगा वह आधुनिकतावाद नहीं रह जाएगा क्योंकि प्रयोग समाप्त हो जाएगा। मतलब आधुनिकतावाद का महत्व किस में है, नित्य नवीन प्रयोग होते रहने चाहिए, कुछ नई नई चीजें, नई नए नई प्रकार की रचनाएं हमारे सामने आए, नई शब्दावली आए, नया रूप, नया शिल्प, नई शब्दावली, यह सब रोज हमारे सामने आना चाहिए। और जिस दिन ये सब आना बंद हो जाएगा आधुनिकतावाद समाप्त हो जाएगा, आधुनिकतावाद पूर्ण हो जाएगा क्योंकि प्रयोग समाप्त हो जाएगा। अब रोज नया प्रयोग नहीं हो रहा है, मतलब आधुनिकतावाद अपने आप में समाप्त हो जाएगा, अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। आधुनिकतावाद का मूल्यांकन, आधुनिकतावाद का मूल्यांकन क्या होगा, क्या महत्व है आधुनिकतावाद का और क्या कमी रह गई, मतलब इसका विश्लेषण है अंतिम। आधुनिकतावाद में दुरूहता तथा पाठकीय अवहेलना के कारण इसका रचना विधान जटिल और अपरिचित लगने लगा। मतलब नए नए प्रयोग किए जाने वाले, नई रूप, नई शैली, नई पदावली, नई शब्दावली के कारण इसका जो रचना विधान था, जो लिखने का जो स्टाइल है, वह बहुत ही जटिल हो गया और पाठकों को अपरिचित लगने लगा। पाठक को संप्रेषण की कमी की शिकायत रहती है क्योंकि
क्योंकि जो रचनाकार है, जो लेखक है, कवि अपने हिसाब से लिखा है, अपने मन की बातों को लिखा है, और जरूरी नहीं कि पाठक उसके मन की बात को समझ पाए। इसलिए जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन की कमी महसूस की जाती है इसमें, परिणाम स्वरूप वो अर्थ बोध तथा सौंदर्य बोध से वंचित रह जाता है। इसीलिए न तो वह उस लेख या कविता का अर्थ समझ पाता है और न ही उसमें क्या खूबसूरती है, क्या सौंदर्य बोध है उसे वह महसूस कर पाता है। मतलब उसे उसको पढ़कर कोई खुशी नहीं मिलती है, उसकी आत्मा तृप्त नहीं होती है, सिर्फ शांति और सुकून की तलाश नहीं होती है, वह उसे जोड़ नहीं पाता, वह लेखक के साथ तादाद में स्थापित नहीं कर पाता, लेखक या कवि के साथ, वह लेखक या कवि के साथ साधारणीकरण नहीं कर पाता है, तो वह सौंदर्य बोध से वंचित रह जाता है। पाठक उद्दीन तो होता है लेकिन उसका रचना बोध अतृप्त रहता है। ठीक है, उसको पढ़कर उसके मन में झंझावात पैदा होता है, लेकिन उसकी जो रचना बोध, जो उसको तृप्ति मिलनी चाहिए पढ़कर, उसको वह तृप्ति हासिल नहीं होती, सिर्फ वह उद्विग्न हो जाता है, बेचैन हो जाता है, लेकिन उसको पढ़कर उसको तृप्ति नहीं मिलती है। कई बार आधुनिकतावादी रचनाएं पहली सी दिखाई देने लगती हैं, चौंकाने की प्रवृत्ति प्रयोग प्रयोग के लिए की मिसाल बन जाती है। कई बार जब वह किसी लेख या कविता को पढ़ता है तो उसको पहले ही सी दिखाई देने लगती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, कवि क्या कहना चाह रहा है, तो प्रयोग प्रयोग के लिए की मिसाल बन जाती है। तो इससे क्या होता है कि रचनाकार ने सिर्फ प्रयोग करने के लिए यह रचना कर दिया है कि मुझे नया प्रयोग करना है, इसलिए कोई कवि किसी कवि ने कविता लिख दिया, किसी लेखक ने कोई नई रचना लिख दी, कोई उपन्यास लिख दिया, कोई कहानी लिख दी कि भाई मुझे इसमें नया प्रयोग करना है, तो यह प्रयोग के लिए ही उसने लिख दिया कि मुझे कुछ नया प्रयोग करना है, इसलिए यह कविता लिख देता हूँ। प्रगतिशील तथा जनवादी आलोचकों की दृष्टि में आधुनिकतावाद मरणासन्न पूंजीवादी चिंतन और ह्रासोन्मुख रवैयों और रुग्ण मानसिकता की अभिव्यक्ति है। मतलब पूंजीवाद के समाप्ति के बाद जिस विचारधारा ने जन्म लिया यह उसी का प्रतिफल है, और इनकी मानसिकता रुग्ण है, बीमार लोग हैं लोग। डेनियल बेल के अनुसार एक बार जब फैशन हावी हो जाता है तो जो कभी चौंकाने वाला या परेशान करने वाला समझा जाता था, मृत तथा विनाशकारी हो जाता है। मतलब कई बार जब फैशन हावी हो जाता है तो कई बार जब हम किसी चीज़ को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, चौंकाने वाला परेशान करने वाला समझते थे पहले, बाद में अमृत तथा विनाशकारी हो जाते हैं, बाद में हम समझते हैं तो बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। जैसे शुरू शुरू में क्या हुआ, जो बेल बॉटम आया होता सब उसको पहनते थे, बाद में क्या हो गया, वो आउटडेटेड हो गया, मृत तथा विनाशकारी हो गया, फालतू हो गया। तो वैसे ही है, मतलब जो चीज़ें प्रचलन में हैं आधुनिकतावाद के कारण, बाद में क्या है, वह विनाशकारी हो जाएंगे या फिर स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे, या तो लोगों के लिए विनाशकारी हो जाएंगे। जैसे परमाणु बम है, परमाणु बम का आविष्कार हुआ तो पहले हमारे लिए चौंकाने वाला था, लगता था कि वह लाभदायक होगा, लेकिन बाद में क्या हो गया, वह विनाशकारी हो गया। अब यह उपसंहार हम किसी परीक्षा में जब लिखते हैं तो इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इस शब्द को लिखने की आप जरूरत नहीं है, तो सीधा आप उपसंहार या कंक्लूजन लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, भारत में आधुनिकतावाद 50 के दशक के आसपास चर्चा का विषय बना, जब यूरोप में विक्षुब्ध एंग्री यंग मैन और अमेरिका में बिट्स की कृतियों तथा यूरोप के अस्तित्ववादी चिंतक चिंतक लेखकों जियां पाल सार्त, अल्बेयर कामू आदि का प्रभाव हिंदी लेखन तथा आलोचना पर पड़ा। मतलब जिसको एंग्री यंग मैन बोलते हैं यूरोप में, और अमेरिका में जो बिट्स नाम के जो राइटर थे उनकी जो कृतियाँ हैं, और यूरोप के जो अस्तित्ववादी जो लेखक हैं, अस्तित्ववादी चिंतक हैं, जियां पाल सार्त, अल्बेयर कामू आदि का प्रभाव हिंदी लेखन तथा आलोचना पर पड़ा। तो इसी के बाद से हिंदी साहित्य में आधुनिकतावाद की चर्चा होने लगी 1950 के बाद। आधुनिकतावाद सामाजिक समस्याओं के बजाय व्यक्ति के स्वरूप तथा आत्मबोध को प्रमुख मानता है। आधुनिकतावाद का क्या है, समाज से उसका कोई सरोकार नहीं है, सामाजिक समस्याओं से उसका कोई सरोकार नहीं है, बल्कि व्यक्ति का जो स्वरूप है, जो व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी है, उसका आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है कि वह क्या महसूस करता है, क्या फील करता है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब समाज से ज़्यादा व्यक्ति की सोच का महत्व है। प्रत्येक वस्तु विचार तथा संरचना पर व्यक्ति की व्यक्तिता की छाप अंकित है। मतलब हमारे आसपास जो भी वस्तु है, जो भी विचार है, जो भी संरचना हम आसपास देखते हैं, जो भी रचनाएं देखते हैं, जो भी कलाकृति देखते हैं, उन पर व्यक्ति की व्यक्तिता की छाप है। बाह्य जगत या वस्तुएं या तो मनुष्य की मन स्थितियों की अभिव्यक्ति हैं या मात्र उसका प्रतीक। मतलब बाह्य जगत में जो चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, जो कलाकृतियां दिखाई दे रही हैं, वे किसी कलाकार की, किसी व्यक्ति की मना स्थितियों की अभिव्यक्ति है और वे उसका मात्र प्रतीक है। मतलब जो भी रचना है, जो कविता है, जो गीत गज़ल है, जो लेख है, या फिर जो कलाकृति है, चित्र है, वह क्या है, जो मूर्ति है, वह सिर्फ उसकी मना स्थिति की अभिव्यक्ति है और उसका मात्र उसका प्रतीक है। आधुनिकतावाद प्रत्येक विश्वास और विचार को संशय की दृष्टि से देखता है।
कोई जीवन मूल्य नहीं रह गए, कोई विश्वास नहीं रह गए, कोई विचार नहीं रह गए, क्योंकि इन सभी को आधुनिकतावाद संशय या फिर डाउट की दृष्टि से देखता है। इसी कारण उसमें अनास्था का स्वर मुखर है। किसी भी चीज में कोई आस्था नहीं रह गई, ईश्वर में कोई आस्था नहीं रह गई, हमारे जो शास्त्र हैं, पौराण पुराण हैं, उनमें कोई आस्था नहीं रह गई, कोई जीवन मूल्य में कोई आस्था नहीं रह गई, इसलिए वह सभी चीजों को अनास्था की दृष्टि से देखता है और अनास्था का स्वर मुखर है। वह मूल्यों की स्थिरता में विश्वास नहीं रखता। पुराने जीवन मूल्य जो स्थिर जीवन मूल्य है उनका कोई महत्व नहीं है। मूल्य न केवल अनावश्यक तथा अर्थहीन है बल्कि हानिकारक भी है। आधुनिकतावाद के अनुसार जो भी जीवन मूल्य है, जो मूल्य हमको परंपराओं से प्राप्त हुए हैं, हमारे पूर्वजों से जो प्राप्त हुए हैं, वे अनावश्यक हैं, बेकार हैं और अर्थहीन हैं। और केवल इतना ही बल्कि हमारे लिए वे हानिकारक हैं, क्योंकि वे हमें विकास नहीं करने दे रहे हैं, विकसित नहीं होने दे रहे हैं, हमें संपन्न नहीं होने दे रहे हैं, हमें नए प्रयोग करने नहीं दे रहे हैं। मूल्यों के संकट का ही फल है कि लेखक अपने लेखकीय दायित्व को स्वीकार नहीं करता। और मूल्यों का संकट इतना गहरा हो गया है कि जो लेखक है वह यह महसूस नहीं कर पाता कि समाज या राष्ट्र के प्रति उसका कोई दायित्व है। उसका कहना है कि मुझे लिखना है इसलिए मैं लिखूंगा, अपने स्वांता सुखाय के लिए लिखूंगा। मेरे मन में जो उठने वाली इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनको मैं प्रतिबिंबित करूंगा अपनी रचनाओं में। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि समाज पर, व्यक्ति पर, राष्ट्र पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मूल्यों का संकट उत्पन्न हो गया है। आधुनिकतावाद अतीत से विमुख होकर वर्तमान में शरण लेता है। अतीत से उसे कोई लेना देना नहीं है, वह उसे विमुख हो चुका है, अपनी परंपराओं से, अपने भूतकाल से और वर्तमान के क्षणों को जी लेना चाहता है। वह स्थायी अनुभवों की अपेक्षा क्षणिक अनुभवों को वाड़ी देता है। कोई स्थायी अनुभव, कोई जीवन मूल्य उसमें उसके जीवन में नहीं है। वह जो क्षणिक अनुभव है कि अभी उसने क्या महसूस किया, उसको वह कविता या अपनी रचनाओं में स्थान देना चाहता है। अतः मनुष्य के अनुभव क्षणिक तथा विखंडित होते हैं, क्योंकि पुराने अनुभव से ऐसे कोई लेना देना नहीं है, अपनी परंपराओं से, अपनी आस्था से, विश्वास से, कोई चीज़ से लेना देना नहीं है। अभी जो भी अनुभव किया उसको लिख देता है, इसीलिए उसके अनुभव क्या है, क्षणिक हैं और विखंडित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है। क्योंकि हर पल, हर क्षण, हर दिन उसे नए अनुभव हो रहे हैं और नए अनुभव के हिसाब से वह लिख रहा है, इसलिए उसके अनुभव क्षणिक तथा विखंडित है। आधुनिकतावाद धर्म, प्रकृति, परंपरा, नैतिकता, प्रतिबद्धता, आस्था, मूल्य तथा प्रत्येक प्रचलित विचार तथा वस्तु स्थिति और व्यवस्था को चुनौती देता है। जितने भी पुराने विचार हैं, परंपराएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, विश्वास है, रूढ़ियां हैं, उनको यह चुनौती देता है, उनके प्रति विद्रोह करता है। विद्रोह उसका मूल स्वर है। आधुनिकतावाद हर प्रकार के सामाजिक, नैतिक, वैचारिक तथा यौन दमन के विरुद्ध है। पहले भी बता चुका हूँ कि इन सभी चीजों के वह विरुद्ध है, कि वह चाहता है किसी भी प्रकार का दमन ना हो, व्यक्ति के किसी भी प्रकार के विचारधारा का दमन ना हो। आधुनिकतावादियों के अनुसार साहित्य का कोई सामाजिक प्रयोजन नहीं है, मतलब साहित्य का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं है। इसी कारण साहित्य मूल्य तथा उद्देश्यों से पृथक होकर विकसित होने लगा। समाज का कोई, साहित्य का कोई सामाजिक प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, समाज से कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए साहित्य में कोई जीवन मूल्य नहीं है और साहित्य अपने उद्देश्यों से पृथक होकर विकसित होने लगा। साहित्य का एकमात्र उद्देश्य है प्रयोग करना। आधुनिकतावादी साहित्य और कला की उपयोगिता को स्वीकार नहीं करता। आधुनिकतावादियों के अनुसार साहित्य और कला का समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। उसके अनुसार साहित्य का बाह्य जगत या आम आदमी से कोई संबंध नहीं है। तो साहित्यकार जो है, आधुनिकतावादी जो साहित्यकार है, उनका यह मानना है कि उनके लिखे हुए साहित्य का बाह्य जगत से या आम आदमी से कोई लेने देना नहीं है। उन्होंने मन में जो आया वह उन्होंने लिखा है। साहित्य जन रुचि के अनुकूल नहीं रह जाता। अब जब साहित्य स्वांतः सुखाय ही लिखना है तो दूसरे की रुचि से मतलब नहीं है। लेखक या कवि को सिर्फ अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट से मतलब है। साहित्य आम पाठक के लिए उपयोगी नहीं रह जाता और न ही वह सामान्य पाठक या जन के प्रति उत्तरदायी होता। तो इस प्रकार चूंकि उन्होंने, साहित्यकार ने कुछ लिखते समय अपने पाठकों का ध्यान नहीं रखा, सामाजिक कोई सरोकार उसका नहीं है, इसीलिए उसका जो लिखा हुआ साहित्य है आम आदमी के लिए उपयोगी नहीं है, आम पाठक के लिए उपयोगी नहीं है और न ही वह लेखक सामान्य जन के लिए, सामान्य पाठक के लिए उत्तरदायी है। मतलब लेखक या कवि किसी भी प्रकार से अपने पाठक, पाठकों के लिए या समाज के लिए उत्तरदायी नहीं है। आधुनिकतावादियों की नवीन से नवीनतर सृजन करने की तीव्र इच्छा के कारण प्रयोग अपने आप में ध्येय और मूल्य बन जाता है। प्रति क्षण नया होने, कुछ अपूर्व, विलक्षण या अद्वितीय प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। रूप, शिल्प तथा शैली के नित नए प्रयोग साहित्यिक आधुनिकतावाद की विशिष्टता है। नई भाषा, नई संरचना, नई शब्दावली, पुराने प्रचलित शब्दों का नया अर्थ, नई साहित्यिक पदावली की झलक आदि आधुनिकतावादी साहित्य की पहचान बन गई। आधुनिकतावादी साहित्यकार हैं रोज नई नई चीजों का सृजन करना चाहते हैं, नई विचारधाराएं लाना चाहते हैं।
और रोज नई नई रोज नए नए प्रयोग करने के कारण है ना, ये चाहते हैं कि इनका साहित्य अपूर्व हो, विलक्षण हो, अद्वितीय हो, इसीलिए अपने कविता में रोज नए नए प्रयोग करते जा रहे हैं, पुराने शब्दों को नए अर्थ प्रदान करते जा रहे हैं, और यही इनकी पहचान बन गई है। तो ये बता चुका हूँ कि सुप्रसिद्ध आधुनिकतावादी कवि एजरा पाउंड ने तो यह भी कहा है कि कोई भी कविता 20 साल पुरानी शैली में नहीं लिखा जा सकती, और ये सनसनी आतंक फैलाने के लिए भी अब विभिन्न प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ये लोग करते हैं। आधुनिकतावाद के प्रभाव से साहित्य का सौंदर्य, शास्त्रीय सौंदर्य बहुत संदिग्ध हो गया है। साहित्य कृतियों को पूर्णता की दृष्टि से नहीं टुकड़ों टुकड़ों में देखने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। मनुष्य अपने सामाजिक परिवेश, परिवार तथा वर्तमान परिस्थिति से अलगाव अनुभव करने लगा। व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस करने लगा। एकाकीपन और अलगाव आधुनिकतावादी साहित्य कृतियों का मुख्य सरोकार है। आधुनिकतावाद वस्तु यथार्थ की अपेक्षा अनुभव की प्रामाणिकता पर बल देता है। साहित्य का कोई स्थायी सौंदर्य बोध नहीं रह गया है। साहित्य का अध्ययन टुकड़ों टुकड़ों में किया जाने लगा, और मनुष्य अपने परिवेश से, समाज से, परिवार से पूरी तरह कट गया है। वह अपने आप को अकेला महसूस करता है, वह बेचेहरा हो चुका है, वह गुमनाम हो चुका है, गुमशुदा हो चुका है, और स्वयं की तलाश कर रहे हैं, और वह अपने अनुभव के प्रामाणिकता पर बल देता है। आधुनिकतावाद प्रकृतिवाद के विपरीत व्यक्ति की जटिल मानसिकता और अछूती संवेदनाओं को प्रस्तुत करता है। व्यक्ति की जो सोच है, व्यक्ति में जो ग्रंथियां हैं, जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसको यह प्रस्तुत करता है। उसमें जो जटिलताएं हैं, जो ग्रंथियां बन गई हैं मन में, जो क्या बोलते हैं, हीनता बोध की जो ग्रंथि है, जो श्रेष्ठता बोध की जो ग्रंथि है, उसे ही प्रकट करता है, प्रतिबिंबित करता है। कतिपय आधुनिकतावादी लेखक आदिम मानव की प्रवृत्तियों का प्रस्तुत करके और समाज, संस्कृति, धर्म तथा नैतिक मूल्यों का उपहास करके ही आधुनिकतावाद का प्रमाण देते हैं। कुछ आधुनिकतावादी लेखक ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि मनुष्य की जो पारंपरिक विचारधाराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, वह सब बेकार हैं। वह उनका उपहास करता है अपनी रचनाओं में, और वह सोचता है कि वह आधुनिकतावादी लेखक या कवि है। आधुनिकतावादी साहित्यिक आंदोलन के अंतर्गत प्रतीकवाद, बिंबवाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद, अंतःचेतनावाद आदि शामिल हैं। ये जो अन्य आंदोलन है, जो अन्य वाद है, ये भी आधुनिकतावादी आंदोलन से इन्होंने जन्म लिया है। इसके अंतर्गत ये सब आते हैं। आधुनिकतावाद में दुरूहता तथा पाठकीय उपेक्षा के कारण इसका रचना विधान जटिल और अपरिचित लगने लगा है, क्योंकि इसमें जटिलताएं बहुत ज्यादा है। इसको पढ़ते समय आपको कोई तारतम्य महसूस नहीं होता, बहुत ही जटिल प्रतीत होता है। यह पाठकों से कट गया है। पाठक को संप्रेषण की कमी की शिकायत रहती है। पाठक कहते हैं कि जब हम आधुनिकतावादी काव्य या फिर आधुनिकतावादी लेखक को पढ़ते हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते कि लेखक या कवि कहना क्या चाहता है, क्या कम्युनिकेट करना चाहता है, क्या कम्युनिकेशन है, संप्रेषण है। परिणाम स्वरूप वो अर्थ बोध तथा सौंदर्य बोध से वंचित रह जाता है। तो न तो वह पूरी तरह से उसका अर्थ समझ पाता है, और न ही उसके उसके सौंदर्य बोध को महसूस कर पाता है कि इसमें क्या खूबसूरती है, इसको पढ़ने से क्या अच्छा लगा उसे। पाठक उद्विग्न तो होता है, लेकिन उसका रचना बहुत अतृप्त रहता है। जो पाठक है, इसको पढ़कर बेचैन जरूर हो जाता है, लेकिन उसको कोई आत्मिक संतुष्टि या तृप्ति महसूस नहीं होती कि कुछ उसने अच्छी चीज पढ़ी है। कई बार आधुनिकतावादी रचनाएं पहली सी दिखाई देने लगती हैं। कई बार तो समझ में नहीं आता कि लेखक या कवि क्या कहना चाहता है, क्या लिखना चाहता है। प्रयोग आधुनिकतावाद का मुख्य उद्देश्य बन जाता है। उक्त कमजोरियों के बावजूद आधुनिकतावाद के प्रभाव से कोई भी क्षेत्र बच नहीं सका है। इस प्रकार जो आधुनिकतावाद है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ प्रयोग करना, नित नवीन प्रयोग करना, नए रूप, नई शैली, नई शब्दावली, नई भाषा, पुराने शब्दों में नया अर्थ भरना, और निरंतर प्रयोग करते जाना, प्रयोग प्रयोग के लिए प्रयोग ही करना, अपने कविता में, अपने लेख में नित नवीन प्रयोग करना, उसका मुख्य उद्देश्य बन जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी, इन सब कमजोरियों के बावजूद भी, जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वह आधुनिकतावाद से वंचित नहीं है, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमको आधुनिकतावाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना है। यदि मेरा आपका यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि किसी नए टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो जरूर लिखें। साथ ही इसे आप मॉडल आंसर के रूप में किसी भी परीक्षा में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।